ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक महाभाग्यशाली राशियां। 17 मई 2019 शुक्रवार का दिन है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है जिसे नरसिंह चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री नरसिंह का प्रागट्य हुआ था। स्वाति नामक नक्षत्र एवं तुला राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की यदि हम बात करें तो पश्चिम दिशा में रहेंगे, इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश पश्चिम दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो दही या दही से बनी कोई भी वस्तु खाकर या फिर जौ या जौ से बनी कोई भी वस्तु खाकर यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। राहु काल जो कि सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि वृषभ राशि में, चंद्रमा तुला राशि में, मंगल ग्रह मिथुन राशि में, बुध मेष राशि में, गुरुदेव बृहस्पति वृश्चिक राशि में, शुक्र मेष राशि में, शनि धनु राशि में, राहु मिथुन एवं केतु धनु राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक और धनु इन 5 राशि वालों को मिलेगा किस्मत का भरपूर साथ। इनके लिए दिन सबसे अति उत्तम रहेगा। कार्यक्षेत्र में इनको लाभ हो सकता है, पारिवारिक रूप से भी इनको फायदा होने का योग है या फिर इनको नई नौकरी मिलने का भी एक अवसर प्राप्त होगा। नया व्यापार इनके द्वारा शुरू हो सकता है। यदि विद्यार्थी है तो वहां पर एक नई शुरुआत करने का अच्छा अवसर इनको मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के इन 5 राशि वालों को भाग्य के सपोर्ट से आगे बढ़ने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।